हेलो पाइसिस, वेलकम टू ग्रो माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के फोर्थ वीक की, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Queen of Cups, Queen of Wands, Page of Wands, Four of Pentacles, Queen of Cups। क्वीन ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को आपने वो हर कुछ दिखाई दे रहा है जो वो हमेशा से ही ड्रीम करते थे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, और अगर नया है तो यू नो इस वीक में ये पर्सन इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, आई मीन इस रिलेशनशिप को या जो भी आपके बीच कनेक्शन है उसे। एंड ये पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करेगा जो इन्होंने आज तक आपसे कहा नहीं। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं और आप अगर ये सोचते थे कि ये पर्सन कभी ओपन होके आपसे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताता, या आपके बीच में कोई सेपरेशन है, कोई इशू है, तो समझिए कि इस वीक में वो सेपरेशन और इशू खत्म ही होने वाला है, क्योंकि वो आपको आप पूरी तरह से एक डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप चार्मिंग हैं, एंड इस पर्सन को पता है कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये जानता है कि उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर दूसरा पर्सन आपकी तरह होगा या हर दूसरा पर्सन उनको इतनी ही खुशियां दे पाएगा जितना आप दे रहे हैं। तो अभी तक ये पर्सन सोच रहा था शायद आपको आपकी वैल्यू बताने से या आपकी तारीफें करने से आप उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि आपके अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि आप यू नो जिसे चाहे उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सनालिटी के अंदर ये पावर है, पर अब ये पर्सन ये समझ गया है कि उन्हें आपको आपका वर्थ देना ही चाहिए। इनफैक्ट अपनी दिल की बात ना कह पाने से ये पर्सन भी थोड़ा सा परेशान है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं उनके साथ और कितने ज़्यादा अपने वादे के पक्के हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत खास है, और उन्हें पता है कि अगर आप चाहें तो आपको कोई भी मिल सकता है, पर आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी वैल्यूज हैं, ये आपके मॉरल्स हैं, और आप जानते हैं कि वादे कैसे निभाए जाते हैं, आपको कद्र है रिश्तों की। तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप एक इमोशनल पर्सन हैं, और इस पर्सन को ये बात बहुत खास लग रही है। एक तरीके से आप एक परफेक्ट बैलेंस है, एक तरफ आप गॉर्जियस हैं, फियर्स हैं, नॉरी हैं, और दूसरी तरफ आप
इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, इस पर्सन को बस आपके ही जैसा पर्सन चाहिए था। हालांकि ये और बात है कि ये कहने से बच रहे थे अभी तक। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर बढ़ जाएगी एक बार अगर वो कमिटमेंट दे दें या नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करें। पर उन्हें पता है कि उन्हें अब एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। उन्हें हमेशा से ऐसा ही लगता है कि वो इसके लिए रेडी नहीं है या आपके काबिल नहीं है, और फ्यूचर में उनके लिए अपने कमिटमेंट को निभाते रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद ये भी एक कारण है कि ये पर्सन अभी तक कमिटमेंट देने से बच रहा था। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके फेवर में होंगी। एंड टेन ऑफ कप्स के साथ आप इस पर्सन के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, और ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर का ड्रीम देख रहा है। तो लगता है फाइनली ये पर्सन अपने डर के आगे आने वाला है या डर के ऊपर उठने वाला है। और टेन ऑफ कप्स के साथ ये एक फ्यूचर प्लान कर रहा है। ओके, कि आप मैरिड होंगे, आपके परिवार आपके साथ होंगे, कन्विंस होंगे, यहाँ एक सेलिब्रेशन होगा। आपके साथ इनकी सारी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है इनके दिमाग में। एंड अब ये पर्सन सोच रहा है कि अपनी बात कहीं कैसे जाए, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ इन्हें पता है कि आप थोड़े से नाराज हैं इन्होंने जो अब तक नहीं किया उसके वजह से। और इस पर्सन को पता है कि आपको यकीन दिलाना भी मुश्किल है कि वो वाकई में सीरियस हैं और आपके और उनके बीच एक अच्छा कनेक्शन चाहते हैं। तो यहाँ द स्टार के साथ ये पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपना रास्ता खोजने के लिए, पर उन्हें एटलीस्ट पता चल चुका है कि उन्हें किधर जाना है और आगे क्या करना है। तो अब ये पर्सन फाइनली ये प्लान करेगा कि चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। और भले ही आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस पॉइंट पे इनके लिए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टबन हैं, गुस्से में हैं, जिद्दी हैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहते, पर फिर भी है तो आप पाइसेस ही, और आपके दिल के अंदर जो इमोशंस है उसका अंदाजा इन्हें अच्छे से है। इन्हें पता है कि आप इनके ट्रू लवर हैं, और भले ही आप कितने भी नाराज हो आप फिर भी हमेशा उनके वेल विशर ही रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, चाहे आपके बीच कितने भी इश्यूज हो। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। Take a break, a life's work, not a season. Get off the treadmill. तो आपसे कहा जा रहा है कि treadmill से नीचे उतर जाइए। लगातार आप दौड़ते जा रहे हैं, इस relationship को handle करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आप एक दिन में नहीं कर सकते, या एक दिन में ही आपको नहीं पता चलेगा कि आगे क्या है। ये पूरे जीवन भर का effort है और journey है। तो धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।
बाय।